गाइज अब जो है हम लो विजन पेशेंट्स की जो है एवेल्युएशन करेंगे। तो ठीक है, इसमें जो हमारे पास प्रैक्टिशनर का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो हमारे पास जो है काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास पेशेंट की तरफ, ना कि हमारे पास काफ़ी जो है नेगेटिव रिस्पॉन्सेज से जो है लो विजन पेशेंट्स जो है और भी डिप्रेस हो जाएंगे और आपको रिस्पॉन्स जो है और भी गलत आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को जो है हमने क्या कॉन्फिडेंस में लेना है, ठीक है, ताकि वो हमारे पास सही तरीके से क्या रिस्पॉन्स हमें क्या प्रोवाइड कर सके, और इनकी एवेल्युएशन हमारे पास जो है उनको क्या काफ़ी गौर और फिक्र से क्या हमें देखना होता है। ठीक है, जो पहला स्टेप है हमारे पास है वो हिस्ट्री टेकिंग, कि हमने एक जो है डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एक बेहतरीन हिस्ट्री जो है लेनी है। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर किन बातों का हमने किन क्वेश्चंस का क्या ख्याल रखना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसमें हमारे पास जो है विजुअल लॉस किस डेट पे हुआ है, कब से हो रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डायग्नोसिस अभी तक किया उनका कन्फर्म हुआ है उसकी डिटेल्स लेना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन सी चल रही है और कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट्स अभी तक ले रहा है, एज, एजुकेशनल स्टेटस और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो है पेशेंट की, ये भी पूछना जरूरी है लो विजन पेशेंट्स के लिए। लो विजन पेशेंट को क्या नियर में ज्यादा है, डिस्टेंस में ज्यादा है, या दोनों में आपके पास ज्यादा मसला है। पेशेंट आपके पास क्या ज्यादा लाइट प्रेफर करता है या कम लाइट प्रेफर करता है। साथ में उन विजुअल एक्टिविटीज को हमने लिख लेना है, ठीक है, साथ में हमने उन विजुअल एक्टिविटीज को लिख लेना है जिसको क्या पेशेंट परफॉर्म करने में क्या उनके लिए क्या मुश्किल आ रही होती है। मेडिकली ये पेशेंट कैसा है, ठीक है, सोशली कैसा है और साइकोलॉजिकली हमारे पास ये पेशेंट कैसा है। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या पेशेंट्स की हमारे पास नियर में क्या, इंटरमीडिएट में क्या, और डिस्टेंस विजन की क्या रिक्वायरमेंट्स है पेशेंट को, तो ये क्या हमने हिस्ट्री में क्या लिखना है जरूर। प्रोएक्टिव क्वेश्चनिंग जो है हमारे पास केस हिस्ट्री के दौरान जो है आपके पास ऐसे सिम्टम्स जो है आपके लिए क्या डिटेक्ट करेगी जो कि आपके पास जो है प्रैक्टिशनर की सोच में भी नहीं होते। चार्लेस बोनस सिंड्रोम जो है आपके पास कुछ विजन इंपेयरमेंट पेशेंट्स में देखा गया, ठीक है, और इसमें आपके पास जो है विजुअल हेलुसिनेशन जो है पेशेंट के पास क्या बन रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास नॉन थ्रेटनिंग होते हैं नेचर में, लेकिन हमारे पास फिर भी जो है उस पेशेंट को क्या ये अज्यूम हो रहे होते हैं। उस पेशेंट को हमारे पास कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स या कोई ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स तो उस पेशेंट की नहीं है, जो कि आपके पास लो विजन रिकवरी में आपके पास क्या है पेशेंट के लिए क्या मुश्किल क्या पैदा करे। पेशेंट आपके पास डायबिटिक वगैरह तो नहीं है या कोई इंसुलिन वगैरह तो नहीं यूज़ कर रहा उसके लिए, या कोई और उसको जो है आपके पास कोई और उसमें क्या कोई प्रॉब्लम वगैरह, तो इन चीज़ों को हमने देखना है। सारी जो उसकी मेडिकल कंडीशंस है उनको हमने देखना है। अब हमारे पास स्टेजेस है, ठीक है, लो विजन पेशेंट की एडजस्टमेंट के लिए, कि आपके पास जब शुरू में पेशेंट आएगा तो वो तो पहले क्या एग्री नहीं करेगा, ठीक है, डिनाइल होगा उसके क्या बिहेवियर में, फिर उसकी जो है फ्रस्ट्रेशन की वजह से एंगर क्या उसके उसमें देखा जाएगा, ठीक है, फिर ऐसा ऐसा प्रैक्टिशनर जो है उनके साथ कुछ बार्गेनिंग्स करेंगे, ठीक है, फिर भी क्या आपके पास डिप्रेशन का शिकार रहेंगे लो विजन के पेशेंट, आखिर में जाके क्या थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस जो है वो पेशेंट जो है लो विजन एड्स की तरफ दिखाएगा, ठीक है, तो ये काफ़ी एक टफ एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए क्या इसकी एवेल्युएशन जो है सही तरीके से करना जरूरी है। ऑक्युलर एग्जामिनेशन जो है आपके पास क्या लो विजन पेशेंट्स की जरूरी है, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हम उनको लो विजन एड्स जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कौन सी हमारे पास सुटेबल रहेगी उनके पर्टिकुलर केस में। सबसे पहले हमारे पास स्लिट लैंप एग्जामिनेशन एंड फंडस एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या इंटीरियर सेगमेंट और जो हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट है, ठीक है, इनको क्या एग्जामिन करना जरूरी है। पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए क्या इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी और फोकल इल्यूमिनेशन टेक्निक्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं 90 and 78D लेंस के साथ। इसके अलावा जो कुछ और टेस्ट हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए क्या करना जरूरी है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो हमारे पास रिफ्रैक्शन है, ठीक है, कि हमारे पास डिस्टेंस और नियर दोनों के लिए हमने क्या रिफ्रैक्शन को क्या परफॉर्म करना है, ठीक है, एज को हमने नहीं देखना, अगर एज उसकी हमारे पास जितनी भी हमने नियर के लिए भी क्या रिफ्रैक्शन को क्या परफॉर्म करना है सही तरीके से, ठीक है, और इसी रिफ्रैक्शन के बाद जो है हमारे पास जो लो विजन एड्स हमने देनी है वो हमारे पास फाइनल होंगी। पेशेंट के प्यूपिल साइज और जो है उसके मीडिया को देखते हुए जो है हमने स्टैंडर्ड रेटिनोस्कोपी टेक्निक्स यूज करनी है, लेकिन अगर आपके पास रिफ्लेक्स थोड़ा सा डिम हो, ठीक है, फिर हम क्या कुछ और टेक्निक्स भी क्या रेटिनोस्कोपी की यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेडिकल रेटिनोस्कोपी है, जिसमें आप क्या रेटिनोस्कोप को क्या आई के क्या क्लोज ले जाते हैं, ठीक है, इससे आपके पास थोड़ा सा मायोपिया जो है क्रिएट हो रहा होता है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट एक रिजल्ट जो है वो आपके पास फाइंड हो रहा होता है। एक टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, रेटिनोस्कोपी में जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, यानी आपके पास लेंसेज को उस वक्त तक प्लेस करना जब तक आपके पास प्लस फर्स्ट ब्लर जो है वो आपके पास नोटिस हो जाए, ठीक है, फिर उसको क्या चेंज करने के लिए +1 और -1 लेंसेज की हेल्प दी जा सकती है, फिर रिफ्रैक्शन को क्या उसी लेंसेज के साथ कंटिन्यू करना होता है जो लेंस हमारे पास पेशेंट अप्रिशिएट कर रहा हो। करेक्शन हमारे पास क्या रिफ्रैक्शन के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की बेस पे हमारे पास लो विजन एड्स भी जो है फिर सही तरीके से आगे क्या काम करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या एवेल्युएशन ऑफ विजन है, ठीक है, कि लो विजन एड्स के लिए क्या जरूरी है कि पेशेंट की विजन जो है सही तरीके से क्या जो है ली जाए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास नैनल विजुअल एक्विटी चार्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, फुल करेक्शन के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास टेस्ट यूज होते हैं वो ये हैं, पिन होल टेस्ट हमारे पास क्या यूज किया जाता है, और इसमें हमारे पास मल्टी होल जो हमारे पास पिन होल होता है उसको यूज किया जाता है। इसमें हमारे पास 16 यूनिफॉर्मली अरेंज किया होल्स होते हैं 1 mm साइज के, ठीक है, और ये आपके पास अगर विजन 618 से ज्यादा वर्स है, ठीक है, आपके पास तब हमारे पास यूज किया जाता है। हमारे पास अब स्पेशल लो विजन चार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास इसलिए यूज होते हैं कि हम उस परसेंटेज को फाइंड कर सके कि कितना हमारे पास लो विजन में क्या लॉस हो चुका है और कितनी हमें मैग्निफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी उस स्पेशल पर्सन के लिए। कुछ स्पेशल चार्ट्स हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, डिस्टेंस के लिए, नियर के लिए, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो यूज हो रहे हैं बॉस्कन लॉन्ग के, स्लॉन के, स्टॉप बेली, लोवी लॉग मार्क, ठीक है, और हमारे पास मॉडिफाइड ETDRS अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी चार्ट्स के आपके पास यूज होते हैं। ये आपके पास 3, 2 और 1 meter डिस्टेंस पे भी क्या यूज हो सकते हैं, साथ में आपने एप्रोप्रिएट जो है मैग्निफिकेशन क्या इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होती है। फीन ब्लूम डिस्टेंस चार्ट आपके पास क्या पार्शियली साइटेड
पेशेंट्स के लिए होता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, ऑप्टो टाइप्स होते हैं, ठीक है, 13 पेजेस की एक स्पाइरल टाइप बुक होती है आपके पास, और उसके अंदर हमारे पास क्या न्यूमेरिकल के नंबर क्या दिए होते हैं, ठीक है, और आपके पास एक टारगेट साइज होता है, ठीक है। ये आपके पास 10 फीट पे भी क्या हम इसे कर सकते हैं, और फिर इसको जो है अपने हिसाब से जो है डिस्टेंस उसका क्या एडजस्ट कर सकते हैं जिस पे भी हमें विजुअल एक्विटी चाहिए हो। सबसे मेन एडवांटेज इसका यही है कि क्या इसको कहीं पे भी क्या परफॉर्म किया जा सकता है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, आपके लिए परफॉर्म करना। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास क्या इसमें लिमिटेड नंबर्स होंगे, ठीक है, ऑप्टो टाइप्स के, और आपके पास लोअर एक्विटी लेवल्स को सही तरीके से मेजर नहीं कर पा रहे होंगे। नियर विजन चार्ट्स में आपके पास क्या स्लॉन एम चार्ट्स है, किलर चार्ट है, ठीक है, और मॉडिफाइड ATDRS चार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पास नियर वर्क के लिए होते हैं, ठीक है, 16 इंच या 40 सेंटीमीटर या 33 सेंटीमीटर पर भी आप इन्हें मोनोकुलर और बाइनोकुलर दोनों क्या परफॉर्म करेंगे। रीडिंग एक्विटी में हम जो चीज़ों को देख रहे होते हैं वो थ्रेशोल्ड को देख रहे होते हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट टेक्स्ट साइज है जो कि पेशेंट रीड कर सकता है, ऑप्टिमल साइज कि आपके पास कौन सा ऐसा साइज है जिस पे क्या पेशेंट फ्लुएंट क्या रीडिंग क्या परफॉर्म कर पा रहा है काफी देर तक के लिए, ठीक है, लॉन्गर पीरियड्स के लिए। रीडिंग स्पीड क्या पेशेंट की क्या है, कितनी है, ठीक है, ये भी आपके पास विजन पे डिपेंड कर रहा होता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या है वो भी हमारे पास क्या देखना इंपॉर्टेंट है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन में आपके पास सेंट्रल फील्ड लॉस हुआ होता है जिसकी वजह से आपके पास टू लेटर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में काफी मुश्किल आ रही होती है और आपके पास इफेक्टिव विजन जो है सही तरीके से गेन नहीं हो पाती। असेसमेंट ऑफ मैग्निफिकेशन है, ठीक है, जो हमारे पास रीडिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो हमारे पास लॉन एम चार्ट में जो है मैग्निफिकेशन भी क्या प्रोवाइड की होती है कि कितनी आपको क्या मैग्निफिकेशन इनके लिए रिक्वायर्ड होगी। M1 से M20 तक के इन्होंने क्या प्रोवाइड किया होता है, यानी अगर पेशेंट M4 आपके पास क्या रीड कर रहा है तो इसका मतलब उसे 4 times मैग्निफिकेशन जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या इसके लिए क्या सेपरेट क्या चार्ट भी क्या प्रोवाइड किया हुआ है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि डायोप्टरिक पावर, ठीक है, रीडिंग एडिशन जो रिक्वायर्ड होती है एम प्रिंट के हिसाब से, ठीक है, और ये अज्यूम कर रहे हैं कि पेशेंट जो है ईमेट्रोपिक है और उसमें 0 एकोमोडेशन है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं +2.50 मैग्नीफिकेशन। इसी तरह क्या 10 डायोप्टर जितनी आपके पास विजुअल एक्विटी वर्स होगी उतनी क्या यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में यूनिट्स दिए हुए हैं। तो हमारे पास कुछ फंक्शन टेस्ट हैं, ठीक है, इन सारी विजुअल एक्विटी टेस्ट के अलावा हमारे पास 3 additional टेस्ट हैं, ठीक है, विजन के, जो कि अगर हमने लो विजन के लिए परफॉर्म ना किए तो यूँ समझे कि लो विजन की एवेल्युएशन जो है हमारे पास अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इसमें हमारे पास क्या सबसे पहला एम्सलर ग्रिड टेस्ट है, ठीक है, ये आपके पास स्कोटोमा को क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है कि स्कोटोमा आपके पास कौन से कितना डेंस है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है। जितना आपके पास के सेंटर में होगा स्कोटोमा उतना आपके पास के हायर मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, स्पेशली 10 डिग्री अगर आपके पास सेंटर क्या कवर कर रहा है। पेशेंट्स में क्या है स्कोटोमा जो है आपके पास रेटिनल डिजीज की वजह से होता है, ठीक है, जो पेशेंट्स आपके पास इस स्कोटोमा के साथ क्या है इफेक्टिव विजन गेन करने में क्या कामयाब हुए होते हैं उनमें हमारे पास लो विजन 8 से मैग्निफिकेशन जो है इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती और इनके अंदर प्रोग्नोसिस का चांस हमारे पास बेटर रहता है। सेकंड हमारे पास कंट्रास्ट सेंसिटिविटी फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कंट्रास्ट सेंसिटिविटी फंक्शन लो है, ठीक है, तो फिर पेशेंट को जो है डबल या ट्रिपल जो है आपके पास जो है मैग्निफिकेशन की नीड होती है, ठीक है, लो विजन एड्स में। एक बेनिफिट तो ये होगा आपके पास कि हम ये देख सकेंगे कि क्या आपके पास इल्यूमिनेशन की वजह से आपके पास फ्रीक्वेंसीज में क्या लॉस हो रहा है, ठीक है, जिनके कंट्रास्ट सेंसिटिविटी फंक्शन आपके पास लो होंगे उनको क्या रीडिंग में, ठीक है, फेस रिकग्निशन में और ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है आपके पास डिफिकल्टी आने वाली है। हमारे पास ग्लेयर टेस्ट है, ठीक है, अगर पॉजिटिव पेशेंट्स है, ठीक है, ग्लेयर पॉजिटिव, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को अक्सर जो है डेंस जो है मीडिया ओपेसिटीज हो सकती है, ठीक है, कैटरेक्ट हो गया, थिकेंड पोस्टीरियर कैप्सूल या कॉर्नियल एडिमा, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है सर्जरी क्या पहले रिकमेंड की जाती है, ठीक है, ताकि वो इस ग्लेयर से क्या जो है पहले फ्री हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो है इनको क्या है फर्दर क्या है प्रिस्क्रिप्शन दी जाती हैं। लेकिन हमारे पास साथ में क्या है जो यूवी लाइट को ब्लॉक करने वाले फिल्टर्स हैं, ठीक है, वो हम क्या है ग्लेयर की प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास विजुअल फील्ड्स है, ठीक है, कि हमारे पास कितना सेंट्रल एरिया आपके पास के मैग्निफिकेशन के लिए क्या पेशेंट में अवेलेबल होगा, ठीक है, तो ये हम जो है कन्फ्रंटेशन टेस्ट, टेंजेंट स्क्रीन और हमारे पास पेरिमेट्री टेस्ट से क्या कन्फर्म करते हैं। पेरिमेट्री टेस्ट हमारे पास ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे को जो है सिंगल और बाइनोकुलर दोनों क्या हमने क्या टेस्ट करना है। स्कोटोमा की लोकेशन क्या हमने फाइंड करनी है और ये देखना है कि क्या इस पेशेंट को अगर हम इफेक्टिव विजन क्या ट्रेनिंग दे तो क्या इससे हमारे पास क्या कुछ बेहतरी आएगी पेशेंट में। न्यू टेक्निक हमारे पास माइक्रो पेरिमेट्री यूज़ होती है, ठीक है, इसके अंदर स्कैनिंग लेजर ऑप्थल्मोस्कोप की लाइट को यूज़ किया जाता है, ठीक है, रेटिना के स्पेसिफिक एरियाज़ को क्या टारगेट किया जा रहा होता है। फायदा यह है कि आपके पास पेशेंट के उस एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे रेटिना में आपके पास क्या फोकस गेन हो रहा हो, तो उसी एरिया पे जो है हमने अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, ठीक है, मैग्निफिकेशन वगैरह उस एरिया को जो है हमने पे टारगेट करना होता है। सिक्स हमारे पास बाइनोकुलर विजन है, ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि इससे आपके पास पेशेंट का जो है बाइनोकुलर बैलेंस भी आपके पास इसी पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, और साथ में जो है ऑकुलर मोटिलिटी को भी हमारे पास चेक करना क्या पेशेंट की जरूरी होता है। सेवन पे हमारे पास कलर विजन है, ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शनल इन्फॉर्मेशन क्या पेशेंट को जो है डेली एक्टिविटीज़ में क्या जो है हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, कि आपके पास अगर कोई भी किसी किस्म की भी मैक्यूलोपैथी है, ठीक है, आपके पास हाइपरटेंशन वगैरह है, ऐसा कोई भी आपके पास जो है डिजीज़ है जिसकी वजह से आपके पास रेड कलर, ग्रीन कलर में आपके पास या ब्लू कलर में डिफेक्ट्स जो है बन रहे हो, तो वो फिर हमारे पास जो है लो विजन पेशेंट्स को जो है एजुकेशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज़ से क्या थोड़ा सा रोक के रख देते हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि इन डिजीज़ को क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्रीट किया जाए,
ठीक है। फाइंड करने के लिए हमारे पास फंसवर्थ का डाइकोटोमस टेस्ट क्या बहुत ज्यादा यूज होता है लो विजन क्लिनिक्स में, ठीक है, जिसके अंदर एक स्पेशल कलर अरेंजमेंट क्या दी हुई होती है। इसमें 8 नंबर पे हमारे पास स्पेशल टेस्ट है, ठीक है, ये भी पहले भी डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि लेजर स्कैनिंग ऑप्थल्मोस्कोप आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया पे क्या पेशेंट की रेटिना पे आपके पास जो है लेजर क्या है प्लॉट कर रहा होता है, ठीक है, जिससे आपके पास अगर पेशेंट को सेंट्रल रेटिनल डैमेज भी है तब भी हम चेक कर सकते हैं कि कोई एक एरिया ऐसा है जिससे पेशेंट अपनी जो है इफेक्टिव विजन को क्या यूज कर रहा हो। विजुअल इवो पोटेंशियल या वीई टेस्ट भी हमारे पास इसमें क्या काफी ज्यादा यूज हो सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम्स भी हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए क्या काफी ज्यादा यूज हो सकते हैं, ठीक है, कि रेटिनल डिजीजेस से इसको अगर क्या डिफरेंशिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास इन टेस्ट को भी यूज किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी एवैल्यूएशन जो है समझ आ गई होगी। जब हमारे पास क्या प्रिस्क्रिप्शन है लो विजन एड्स की, तो अगर हमने एवैल्यूएशन जो है ठीक तरीके से कर लिए तो हमारे पास लो विजन एड्स की प्रिस्क्रिप्शन करना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ईजी नहीं है, ठीक है, रूटीन आई एग्जामिनेशन और प्रिस्क्रिप्शन से हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। गाइडलाइंस में सबसे पहला एम हमारे पास ये होगा कि हम मैक्सिमम विजन जो है अटेन करें और हमारे पास किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है, पेशेंट की मोबिलिटी पे। ये बात क्या जहन में रखना जरूरी है कि जितनी मैग्नीफिकेशन इंक्रीज होगी उतना आपके पास वर्किंग डिस्टेंस और आपके पास फील्ड ऑफ विजन जो है वो डिक्रीज होगा। हमारी प्रेफरेंस जो है ऐसी एड की होनी चाहिए जो आपके पास लाइट वेट हो, ठीक है, पोर्टेबल हो और फ्लेक्सिबल हो। जो कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेज है उनको क्या अवॉइड करना चाहिए, सबसे फर्स्ट चॉइस जो है आपके पास स्पेक्टिकल्स होनी चाहिए एक हाई एडिशन नंबर के साथ। पेशेंट का विजुअल स्टेटस, मेंटल स्टेटस और उसकी जो नीड्स है उनको कंसिडरेशन में रखना जरूरी है जब भी हम क्या लो विजन एड्स जो है प्रेस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। दो ऐसे पेशेंट्स जिनका डायग्नोसिस सेम हो उनकी लो विजन एड्स डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, आपके पास इसी बेस पे। एक लो विजन एड प्रेस्क्राइब करने से पहले जो है उसी मैग्निफिकेशन की सारी डिवाइसेस को चेक कर लेना चाहिए ताकि हम देख सके कि किससे हमारे पास रिजल्ट जो है बेहतरीन आ रहा है। अगर दोनों आइज की मैग्निफिकेशन में हमारे पास डिफरेंस है तो दोनों आइज को क्या करेक्ट करना जरूरी है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए क्या हम वन आई को जो है वो एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस के साथ क्या जो है इंडिकेट कर सकते हैं साथ, ताकि हमारे पास जो दूसरी आई है, ठीक है, वो एटलीस्ट हमारे पास सेफ रहे, ठीक है, और हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है कॉज ना हो। सिंगल आइड पर्सन को जो है हमारे पास टेलीस्कोप या एक हाई एडिशन जो है ज्यादातर सूट करेगी। पेशेंट्स में हमारे पास क्या फोकस को फिक्स रखना क्या काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, मैग्नीफायर्स हमारे पास क्या है उनको हम क्या ट्राई करा सकते हैं, ठीक है, अगर उनके लिए क्या वर्क कर रहे हो। चिल्ड्रन में जो है लो विजन एड्स को समझना पेशेंट के लिए क्या काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जब तक क्या चिल्ड्रन हमारे पास जो है लो विजन की इंपॉर्टेंस को ना समझे, ठीक है, इन डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस को ना समझे तब तक उन्हें क्या जो है प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। इसके साथ जो है एड के बेहतरीन वर्क करें इसके लिए जरूरी है कि पेशेंट की नीड्स को, उनकी गोल्स की और उनकी एबिलिटी को क्या जो है हमने क्या कंसिडरेशन में लेना है कि क्या पेशेंट की हमारे पास नीड्स क्या और पेशेंट की हमारे पास जो है उसकी पीछे से क्या हमें बैकग्राउंड भी पता हो कि क्या वो ये अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं, इन सारी बातों को जो है ख्याल रखते हुए, ठीक है, जो हमने प्रिस्क्राइब करना है। रीडिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो है एक सर्टन ऑटोटाइप पे जो है हमने पेशेंट को क्या एवलुएट करना होता है, ठीक है, चेक करना होता है कि वो अपनी ईसेंट्रिक फिक्सेशन का यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर पा रहा तो हमने जो है पेशेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है। हर कैटेगरी की विजुअल डिवाइस के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो लो विजन एड्स के पेशेंट को क्या है वन से ज़्यादा डिवाइसेज की भी क्या नीड हो सकती है। जो डिवाइस भी हम प्रेस्क्राइब करें क्या उसका इफेक्टिव यूज़ जो है हमने पेशेंट के साथ क्या देखना है, ताकि अगर हमारे पास उसमें क्या डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में पेशेंट को डिफिकल्टी हो तो हम उसको क्या चेंज कर सकते हैं ताकि वो हमारे पास पेशेंट जो है अपने गोल्स जो है अचीव कर सके। अब लो विजन एड्स क्या प्रिस्क्राइब करते वक्त हमने कुछ क्वेश्चंस क्या पूछने के, व्हाई एंड व्हेन टू प्रिस्क्राइब लो विजन एड्स, तो व्हाई टू प्रिस्क्राइब हमने इसलिए करना है ताकि क्या पेशेंट हमारे पास जरा इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, एडॉप्टेशन क्या अपनी क्या डेली एक्टिविटीज़ के साथ क्या जोड़ ले, ठीक है, और साथ में जो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड का, ठीक है, वो आपके पास गेन कर सके। एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए क्या हम जो है पेशेंट को लो विजन एड्स जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। वेन टू प्रिस्क्राइब में हमने लो विजन एड्स तब प्रिस्क्राइब करनी है कि नियर के लिए जब पेशेंट का डिस्टेंस आपके पास बिल्कुल भी सुटेबल ना हो, ठीक है, उसे एक रेंज ना अलाउ कर रहा हो जिसमें क्या पेशेंट को नियर की ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो या आपके पास अकोमोडेटिव एफर्ट जो है वो बिल्कुल क्या है खत्म हो चुका हो। ये इन्होंने जस्ट कंसिडरेशन लिखी हुई है कि स्कूल एज में 20/200 विजुअल एक्विटी के लिए क्या है हमने ऑब्जेक्ट और आई के बीच में क्या डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, ठीक है, सेकंड ग्रेड तक। उसके बाद जो है हमने स्टैंड मैग्नीफायर्स या हैंड मैग्नीफायर्स को पेशेंट को क्या रिकमेंड करना होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें विजुअल एक्विटी 20/200 से कम हो, ठीक है, तो उसमें हमने ऑप्टिकल एड्स को जल्दी प्रिस्क्राइब करना होता है, ठीक है, और 20/400 हो, ठीक है, या उससे कम हो आपके पास तो सेंट्रल स्कोटोमा भी अगर आपके पास 30 डिग्री से ज्यादा हो तो आपने वीडियो मैग्नीफायर को प्रिस्क्राइब करना होता है। अगेन बता रहा हूँ ये जस्ट जो है एक एग्जांपल दी हुई है। पेशेंट जिनकी विजुअल एक्विटी 20/800 या इससे कम हो तो उसमें ब्रेल और कंप्यूटर साउंड सिस्टम जो है फिर देना जो है लाजमी हो जाते हैं, ठीक है, साथ में ओरिएंटेशन और मोबिलिटी टेक्निक्स भी जो है पेशेंट को सिखाई जाती है। हाउ टू प्रिस्क्राइब लो विजन एड्स में जो है पेशेंट की क्या हमने हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, जिस तरह एवैल्यूएशन की मेथड्स है उन सारों को क्या हमने करना है, जिस तरह के विजुअल एक्विटी हमने नियर डिस्टेंस के लिए क्या मेजर करनी है, ठीक है, विजुअल एक्विटी डिमांड्स क्या पेशेंट की वो हमने क्या देखनी है, मैग्नीफिकेशन उसको कितनी चाहिए, कौन सी एड्स जो है हमारे पास क्या सुटेबल रहेंगी, ठीक है, पेशेंट के लिए, तो इन चीज़ों को क्या हमने देखना होता है हाउ टू प्रिस्क्राइब लो विजन एड्स में। इसके बाद हमारे पास मैग्नीफिकेशन ट्रायल है, ठीक है, कि मैग्नीफिकेशन हमने प्रिस्क्राइब करते वक्त क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसमें हमारे पास क्या है कि स्कोटोमा कितना है आपके पास, कंट्रास्ट कितना है पेशेंट में और हमारे पास क्लियर कितना है पेशेंट के अंदर, इसी की बेस पे आपके पास जो है रीडिंग करेक्शन में हम मैग्नीफिकेशन क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। अब मैग्नीफिकेशन की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन है जिसमें क्या ऑब्जेक्ट को क्या क्लोज करके क्या आपके पास मैग्नीफिकेशन क्या इंक्रीज की जा रही होती है। सेकंड हमारे पास क्या रिलेटिव साइज मैग्नीफिकेशन है जिसके अंदर क्या साइज को क्या बड़ा किया जा रहा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो कि हमारे पास टेलीस्कोप्स वगैरह में यूज हो रही है मैग्नीफायर्स वगैरह में उसमें जो है एंगल को
क्या चेंज किया जा रहा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के उसके जरिए क्या मैग्नीफिकेशन को अटेंड किया जा रहा होता है। फोर्थ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से क्या मैग्नीफिकेशन अटेंड की जा रही होती है। अब मैग्नीफिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जैसे कि मैग्नीफिकेशन नीडेड बाय इक्वल टू रेफरेंस इक्विटी बाय गोल इक्विटी, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर क्या पेशेंट क्या रीड कर रहा है आपके पास 5 एम, ठीक है, और उसकी जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास 1 एम है, तो हमने 5 ÷ 1 कर देना, तो 5x मैग्नीफिकेशन जो है पेशेंट को रिक्वायर्ड है। के बाद ये देखना है कि हमने इस मैग्नीफिकेशन को अचीव किस तरह करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या डिजायर्ड मैग्नीफिकेशन जो हमारे पास आई है उसको हमने क्या रेफरेंस डिस्टेंस पे क्या डिवाइड कर देना है, ठीक है, और उसी पे जिसमें नियर इक्विटी हमने क्या मेजर की। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा F=ma/R, F हमारे पास क्या डायोप्टिक पावर्स आ गई, ठीक है, M हमारे पास मैग्नीफिकेशन और R हमारे पास जो है रेफरेंस डिस्टेंस आ गया, ठीक है, मीटर्स के अंदर। इसके अलावा जो है हम मैग्नीफिकेशन को इक्विवेलेंट व्यूइंग डिस्टेंस में भी क्या है और इसके रेसिप्रोकल्स में भी क्या है मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास रेफरेंस डिस्टेंस बाय EVD इक्वल टू रेफरेंस इक्विटी बाय गोल इक्विटी, इस फॉर्मूले के जरिए जो है हम रिक्वायर्ड मैग्नीफिकेशन को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कस्टनबॉम्स रूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है जिसके अंदर क्या हम जो है विजुअल इक्विटी का इन्वर्स ले रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेडिक्टेड एड आपके पास डायोप्टर्स में, ठीक है, 6/60 है, ठीक है, तो 60 को हमने क्या नॉमिनेटर बना देना है, 60/6 कर दें तो हमारे पास 10 डायोप्टर आ जाएगा, लेकिन ये हमारे पास एक प्रीसाइज मेथड नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अप्रोप्रिएट डिवाइस की, तो इसमें हमने किन बातों का ख्याल रखना है। पहले तो हमने क्या सीक्वेंस वाइज चलना है कि कन्वेक्स लेंसेज फर्स्ट क्या ट्राई करानी है स्पेक्टिकल में, ठीक है, मोनोकुलर या बाइनोकुलर, और साथ में हम कन्वर्जिंग प्रिज्म भी क्या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने हैंड मैग्नीफायर्स, थर्ड पे हमने स्टैंड मैग्नीफायर्स, और आखिर में क्या है ये टेलीस्कोप जैसे कॉम्प्लेक्स मेथड जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को आखिर के लिए हमने रिजर्व रखना है। टेलीस्कोप और हैंड मैग्नीफायर में हमारे पास अगर चॉइस करनी हो तो उसमें हमारे पास पेशेंट के वर्क डिस्टेंस को क्या हमने क्या ध्यान में रखना हो। इसके अलावा जो है स्पेक्टिकल्स का वेट कितना है, कॉस्मेटिकली कितना अपेयरिंग है आपके पास, ठीक है, बोथ हैंड्स आपके पास पेशेंट के फ्री रहेंगे वर्क के दौरान, और फील्ड ऑफ व्यू जो है पेशेंट को कितना चाहिए, जैसे कि आप टेलीस्कोप का क्या फील्ड ऑफ व्यू आपके पास क्या हैंड मैग्नीफायर से काफी ज्यादा होता है। इसी के हिसाब से जो है पेशेंट के लिए क्या बेस्ट डिवाइस जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है, पेशेंट की एबिलिटी और जो उसके पास जो एरर होता है उस हिसाब से, ठीक है। अब लो विजन एड्स की प्रिस्क्रिप्शन के बाद क्या उसके साथ ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है, कि पेशेंट को उसको हैंडल करना भी आता हो, ठीक है, और उससे जो है सही तरीके से काम निकालना भी अपना आता हो, ठीक है। बहुत बड़ी कंप्लेंट जो आती है कि डॉक्टर के क्लिनिक में हमारे पास डिवाइस ठीक काम करता है, घर में हमारे पास काम नहीं करता। उसकी मेन वजह ये होती है कि डॉक्टर्स के क्लिनिक में जो है लाइटिंग क्या सही होती है, ठीक है, तो घर में भी क्या है उस लाइटिंग की अरेंजमेंट करना जो है पेशेंट के लिए क्या जरूरी होता है, ठीक है। पेशेंट को क्या जिन चीज़ों की हमने ट्रेनिंग देनी है वो ये है कि क्या डिवाइस की केयर करें, उसे क्लीन रखें, ठीक है, और ये डिसाइड करें कि कब उसे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है और किन किन एक्टिविटीज़ के लिए क्या उसे यूज़ करना है। काउंसलिंग और मोटिवेशन जो है हमारे पास पेशेंट की ये लो विजन एड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, लो विजन मैनेजमेंट के अंदर। पीरियडिक फॉलोअप्स हमारे पास इन पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है, ताकि जो है पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हमें मिलती रहें, ठीक है, कि वो इन डिवाइसेस के साथ क्या सेटिस्फाई हैं या नहीं, कि उनकी वर्क एबिलिटीज़ जो है हमारे पास इससे पूरी हो रही है या नहीं। ये बात याद रखें कि जितना भी पेशेंट का आपके पास वर्किंग डिस्टेंस क्लोज होता है उतनी हाई मैग्नीफिकेशन के पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है, और हम इसमें ये बात अज्यूम करते रहते हैं कि एकोमोडेशन जो है पेशेंट की वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लो विजन एड्स और पूरी जो लो विजन मैनेजमेंट का चैप्टर है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम क्या 11 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखें।